दिस इज अब्दुलरहमान फ्रॉम SSG मोबाइल। सो भाई लोग, क्या हाल चाल, मजे में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, नोकिया अपना एक न्यू मॉडल लॉन्च करने जा रहा था, नोकिया 5310, जिसके लॉन्च होने से पहले ही बहुत से चर्चे हो गए थे। हर जगह पे इसकी वीडियो, इसकी पिक्चर्स की वीडियो लग रही थी और डिमांड भी इसकी ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि इसी के साथ का एक मॉडल हमें पहले भी देखने को मिलता था जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसकी सेल भी बहुत अच्छी थी और आवाम को वो बहुत ही पसंद आता था। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नोकिया ने अपना आज एक न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया, नोकिया 5310, जो कि ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान में लॉन्च भी हो चुका है और अवेल होना भी मार्केट में शुरू हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे इस डिवाइस की प्राइस क्या है और इसमें क्या क्या स्पेक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक SSG मोबाइल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा, हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बावक्त मिलती रहेगी। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो पर। सो गाइस, बॉक्स का पैकिंग ऑलरेडी मैंने कट की हुई है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ से मैं इजीली तौर पे इसका पेपर रिमूव कर लेता हूँ। पेपर रिमूव करने के बाद आपको ये बॉक्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हमें बैक पे इसके कुछ स्पेक्स भी देखने को मिल जाती है लिखी हुई। बहरहाल, हम स्पेक्स को नहीं इस टाइम पढ़ते हैं, स्पेक्स आगे जाके हम बात कर रहे हैं। पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं डिवाइस किस तरह की है। तो जौन सा इस टाइम मेरे पास बॉक्स है, ये रेड एंड वाइट कलर है इस डिवाइस का, तो मैं यहाँ से इसका बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स ओपन करते ही हमें यहाँ पे मिल जाता है एक अदर इसका 1 ईयर का वारंटी कार्ड नोकिया की तरफ से। उसके बाद ही हमें मिल जाता है यहाँ पे हमारी डिवाइस नोकिया 5310। तो मैं इसे इस तरह से पेपर से रिमूव कर लेते हैं। पेपर से रिमूव करके आप ये इसकी लुक चेक कर सकते हैं गाइस। फुल स्लिम एंड स्मार्ट डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ही प्यारा इन्होंने ये बनाया है। रेड का कंट्रास्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। डिवाइस को भी थोड़ा सा साइड पर रखते हैं, मजीद बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं हमें क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है। बॉक्स ओपन करने के बाद हमें एक अदद यहाँ पर मिल जाती है बैटरी। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाते हैं जी एक नोकिया की तरफ से नॉर्मल चार्जर, जो कि रवायती चलता आ रहा है। उसके अलावा नोकिया की तरफ से ही ये हैंडफ्री, वही रवायती हैंडफ्री हमें देखने को मिली है, जो सदियों से आ रही है वही यहाँ पर हमें देखने को मिली है। बहरहाल, पाकिस्तानी आवाम यार इस खास तौर पे इस हैंडफ्री की बहुत बड़ी फ़ैन है, कॉल करने के लिए आप समझ सकते हो यार। तो यहाँ पर हम हैंडफ्री और किस मान को थोड़ा साइड पर रखते हैं, मज़ीद देख लेते हैं क्या मिलते हैं। मज़ीद में हमें यहाँ पे एक यूज़र गाइड बुक देखने को मिल जाती है। तो हम बॉक्स को साइड पर कर लेते हैं, यहाँ से बैटरी पैकेट से निकालते हैं, इसकी बैटरी निकाल के सेट पर लगाते हैं। इस तरह से अब यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इसकी बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अगर मैं आपको इसके अंदर वाला हिस्सा दिखाऊं, तो यहाँ पे हमें ड्यूल सिम सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप सिम 1 लगा सकते हो, यहाँ पे आप सिम 2 लगा सकते हैं। दोनों ही सिम इसमें बड़ी डलेगी, नैनो या माइक्रो सिम इसमें नहीं डलेगी। ये ऑप्शन में हमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये मेमोरी कार्ड भी सपोर्ट करता है, आप यहाँ पे इसे इजीली तौर पर मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। कैमरा देखने को मिल जाता है, LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं इसकी बैटरी लगा लेता हूँ। बैटरी लगा के इजीली तौर पर आप इसी तरह इसकी बैग आसानी से आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो डिवाइस को कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑन। तो ऑन करते ही हमें फ्रंट पे यहाँ पे लोगो मिल जाता है, कीपैड की लाइट भी जलती हुई देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये डिवाइस हमारी हो चुकी है यहाँ पर ऑन। तो हम इसे सिंपली सब कुछ कट करके इसके डिस्प्ले पे आ लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारी डिवाइस नोकिया 5310, जिसके आने से पहले ही इतने इसके चर्चे हुए पड़े थे। तो गाइस, यहाँ पर मैं अगर इसके फिज़िकल लुक की बात करूँ, अगर मैं इसके यहाँ पर कंट्रास्ट साइड की बात करूँ, जिससे इस मोबाइल की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, तो इसके कुछ कमाल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसके राइट साइड के कंट्रास्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो आप यहाँ से ही अपने सॉन्ग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको आगे भी कर सकते हैं, उसके अलावा बैक भी कर सकते हैं, पोज एंड प्ले भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे हमें वॉल्यूम की अप एंड डाउन भी इसका बाइट से ही देखने को मिल जाता है। आपको कोई बटन या प्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली तौर पे इधर से प्रेस करेंगे तो आपका ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो आपका ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ड्यूल स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है हमें इस पे। बैक पे हमें यहाँ पे नोकिया के सिग्नेचर देखने को मिल जाते हैं। कैमरा, LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। सो गाइस, यहाँ पर मैं डिवाइस को थोड़ा रखता हूँ साइड पे और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेक्स के, जो कि इसके बॉक्स के पीछे लिखी हुई दी गई है। सो गाइस, यहाँ पर अगर इसके मैं डिस्प्ले साइज़ की बात करूँ, तो 2.4 इंच का इसका डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ड्यूल स्पीकर सिस्टम देखने को मिल जाता है, FM रेडियो इसमें हमें देखने को मिलता है, MP3 प्लेयर भी इसमें देखने को मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड ये
अप टू 32 GB तक का सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो 1200 mAh की यहाँ पे हमें इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इंटरनल ब्राउजर, गेम्स, वीडियो प्लेयर, कैमरा विद फ्लैश और टॉर्च लाइट भी इसमें देखने को हमें मिल जाती है। बस ये थे इसके कुछ स्पेक्स वगैरह। अगर आप इसकी कुछ सेटिंग के रिलेटेड वीडियो वगैरह चाहते हैं या अगर आपको कुछ इसकी सेटिंग के रिलेटेड समझ नहीं आ रही तो आप उसके तौर पे भी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए उसके अलग से एक वीडियो बन जाएगी। बहरहाल सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे न्यू लेटेस्ट आने वाली एक फ्रेश वीडियो में। अब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। गुड बाय।